मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों का प्रचार सोशल मीडिया पर फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रत्याशी हर दिन गांव-गांव भ्रमण की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं ताकि वो अपने गांव और क्षेत्र में मजबूत स्थिति में आ सके। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर चुनावी कैंपेन के लिए तैयारी कर ली है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री रणवीर रावत का कहना है कि पार्टी हमेशा जनता के हित को देखते हुए सोशल मीडिया का उपयोग करती है। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं बीजेपी नेता के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है कि इस देश को सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं और इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उठाना शुरू किया है। सोशल मीडिया का हम लोग यदि ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे काम भी ज्यादा है। जनता के प्रति जितनी जवाबदेही से जितनी निष्ठा के साथ हम काम करते हैं, हमारा काम सदैव सोशल मीडिया के माध्यम से समाज हित के लिए काम करना, विकास के लिए काम करना। कांग्रेस सोशल मीडिया काम हमेशा समाज तोड़ने के लिए, राष्ट्र के विघटन के लिए और नए नए अनावश्यक मुद्दे उठाने के लिए करती है। इसलिए वो कई प्रकार के हथकंडे अपना करके जनता का ध्यान भटकाने का उनका जो प्रयास होता है वो सफल भी नहीं होते। हम अपनी विकास की योजना को लेकर के, अपने विचार को लेकर के हमारा प्रयास होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सारी जन कल्याण के कार्यक्रम नीचे जाएँ, हमारी विचारधारा नीचे पहुँचे। इसलिए हम सोशल मीडिया का प्रयोग अपने संगठन के हित में और जनहित में करते हैं। देखिए, इस देश को सोशल मीडिया आईटी सेक्टर देने वाला ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। माननीय राजीव गांधी जी ने इसको इस देश पर लागू किया था और इसका पूरा भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उठाना शुरू किया है और आज आप देखेंगे कि किस तरीके से उसका मिसयूज़ हो रहा है। परंतु जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी इसका उपयोग करेगी पर इसका मिसयूज़ नहीं करेगी। जनता तक जो जनता के मुद्दे हैं वो उन तक पहुँचाएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी सरकार हैं उनके जन विरोधी मुद्दे हैं वो जनता तक ले जाने का काम हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जन जन तक जाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से चुनावों की तैयारियां हमारी यहाँ जारी है।